हेलो, आवाज आ रही है मुन्ना भाई? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मुन्ना भाई? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ, तो शुरू हाँ करते हैं। जी जी सर। हेलो, अब आ रही है ठीक से आवाज? जी आ रही है सर, अब आ रही है आवाज। हाँ, मुझे भी ठीक से आ रही है और शायद नेटवर्क भी बहुत ठीक से चल रहा है। आपके खिलाफ जो जो जितने उन्होंने भी क्रिकेट खेला है, क्या उनसे भी प्रेरणा हमें मिलती है? बार बार लाइन कट जाने की वजह से थोड़ा सा सुर नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण फिर एक बार हम ज्वाइन होते हैं, दर्शकों से फिर एक बार माफी मांगते हैं। आपके खिलाफ जितने भी क्रिकेटर्स खेले हैं, उनमें से बहुत सारों के साथ आपको भी सीखने को मिला होगा। ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जिनसे आपने सीखा? अपोजिट टीम से तो बहुत से खिलाड़ी है सर, लेकिन जैसे कि मैंने बहुत कम क्रिकेट खेला है तो ज्यादा बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम नहीं है। छोटे खिलाड़ी है जो क्रिकेट खेलते हैं। शुरुआत में जब 12 या 13 साल की उम्र थी मेरी, उस वक्त मिलिंद नाम के खिलाड़ी होते थे जिनकी विकेट कीपिंग बहुत बेहतरीन होती थी। हमारे अपोज में हमेशा खेलते थे वो, और फिर उसके बाद में वो हमारे टीम में भी ज्वाइन हो गए आगे चलकर। वो एक खिलाड़ी बहुत अच्छे थे, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी विकेट कीपिंग उनकी होती थी टेनिस क्रिकेट में। और सीजन पर जब मैंने खेलना शुरू किया तो सीजन का मैं वो वाकया यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि मैं ऑनलाइन स्कोरिंग करता था श्रीरामपुर में। तब राहुरी के इमरान भाई, जो इमरान खान है, उन्होंने मुझे एक प्लेयर के लिए रिक्वेस्ट की कि मुझे एक बैट्समैन चाहिए। और मुझे फॉर्मल ड्रेस में देखने के बाद में वो नहीं जान पाए थे कि मैं भी क्रिकेटर हो सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑनलाइन स्कोरिंग करते हो, आपके पास में सब रिकॉर्ड है, नंबर्स है, तो आप किसी बल्लेबाज को या बैट्समैन को हमारे लिए टीम में खेलने के लिए भेजे। तो उस वक्त मैंने उनसे कहा कि एक अब बैट्समैन का अरेंजमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे मैच था अहमदनगर में वाड़िया पार्क, तो वहां पर आना मुश्किल था। तो मैंने कहा कि मैं आ जाता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। तो उस वक्त मैं लेदर, मेरा क्रिकेट का लेदर का शुरुआत कह सकते हैं वहां से शुरू हुई। फिर मैंने उनके टीम की तरफ से क्रिकेट खेला, तो इमरान मेरे अपोज में हमेशा खेलते हैं। वो भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज है, अच्छे हाइट है उनकी और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो लेदर में दोबारा लाने वाले एक इत्तेफाक ही हो, किसी और खिलाड़ी के लिए इनवाइट किया था लेकिन मैं चला गया जबरदस्ती, जिस तरह से अभी 4 बजे के इंटरव्यू में जबरदस्ती घुस गया हूँ। और वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है ठीक से। अब तीसरे तीसरे पार्ट में आ चुके हैं, दो पार्ट हमने सेव कर दिए हैं, तीसरे पार्ट में आ रहे हैं। आपका पसंदीदा मैदान जहां पर आप खेले हो और जो आपको पसंद है खुद को, हम जानना चाहेंगे। पसंदीदा में तो वैसे तो सर टेनिस क्रिकेट में अगर कहा जाए तो मनमाड़ का डिसूजा मैदान बहुत पसंद है क्योंकि वहां पर मेरा क्रिकेट करियर का पहला अर्धशतक हुआ था, तो वो ग्राउंड को मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत अच्छा ग्राउंड है, और अभी तो नहीं है लेकिन उस वक्त बहुत अच्छा ग्राउंड था और हम हमेशा वहां खेलना पसंद करते थे। हमारे पुलिस लाइन के करीब ही था तो वहीं पर पूरा दिन हमारा जाता था। और प्रैक्टिस के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा छत्रे हाई स्कूल का एक ग्राउंड हुआ करता था, जो पुलिस ग्राउंड था लेकिन छत्रे हाई स्कूल करीब होने से छत्रे हाई स्कूल का ग्राउंड कहा जाता है। वो एक ग्राउंड बहुत पसंद है। और लेदर की बात कहे तो फिर तो वाड़िया पार्क, वाड़िया पार्क बहुत अच्छा ग्राउंड है। और कन्नड़ का भी टूर्नामेंट मैंने खेला है लेदर पर, तो वहां का ग्राउंड भी बहुत पसंद है मुझे। आपके सबसे बेहतरीन मैचेस की ओर चलते हैं, ऐसी कौन सी मैच है जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे? बेहतरीन से बेहतरीन मैचेस आपने खेले हैं, चाहे टेनिस के ऊपर हो या फिर लेदर बॉल के ऊपर, ऐसा कौन सा मैच है जो जिसे भुलाया नहीं जा सकता? ऐसे तो बहुत से मैचेस है जिसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया। जैसे मैंने बताया डिसूजा पे पहला मैच, मेरी उम्र तब तकरीबन 13 या 14 साल ही होगी। उस वक्त मुझे टीम में मौका नहीं मिलता था, टीम में एज अ प्लेयर मुझे चांस नहीं दिया जाता था। तो वो मैच में मुझे मौका ऐसे मिला था कि हमारे एक खिलाड़ी नहीं आए थे,
जो अशफाक जिनका मैंने कहा जिक्र कहा उनका बहुत सपोर्ट मिला है मुझे, तो वो खिलाड़ी नहीं आए थे उस मैच में खेलने के लिए। और हम टूर्नामेंट में हमारी जो टीम है उसमें हमीद भाई कैप्टन थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट में एंट्री की थी। तो उस वक्त हम हमेशा यही सोचते थे कि हमारा मौका कब आएगा, और वो अशफाक भाई नहीं आने की वजह से मुझे टीम में जगह मिली थी। और सिचुएशन भी ऐसी हो गई थी कि हमारे 6 ओवर में 36 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे और 12 ओवर का वो मैच होता था, और मेरे भाई ने मुझे बल्लेबाजी के लिए भेज दिया कि आप चले जाओ। जब मैं बल्लेबाजी के लिए गया तो पहले ही रन पर मैंने जो नॉन स्ट्राइक पर बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, अभी भी उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, विजू नाम है उनका, वो उस वक्त सीनियर खिलाड़ी थे, बहुत उनकी तकरीबन 30 साल की उम्र थी और 10-12 साल का उनका क्रिकेट एक्सपीरियंस था, और वो एक छोर संभाले हुए थे, वो अच्छा खेल रहे थे। और मैं बल्लेबाजी के लिए गया जब 6 विकेट गिर चुके थे, वो एक छोर पर खेल रहे थे और मैंने उनको रन आउट कर दिया था। वो जोश, वो हड़बड़ाहट मेरी के शॉट खेलना है और भाग जाना है तुरंत, मैंने देखा नहीं, मैं दौड़ गया और मैंने उन्हें आउट कर दिया। वो आउट होने वाला किस्सा भी ऐसा था कि सामने वाली टीम को पता था कि ये तो यंगस्टर है, इसके अंदर कुछ बात नहीं है, लेकिन विजू जैसे बल्लेबाज को आउट करने का मौका हमें मिल रहा है, तो उन्होंने अपील भी उसी जोर पे की कि उनका दौड़ने का डायरेक्शन जो है उस दिशा में आउट दिया जाए, और विजू को ही आउट करने पर फोर्स किया। लोकल टूर्नामेंट में आमतौर पर ऐसा होता है, दबाव डाला जाता है अंपायर पर, तो उस बल्लेबाज को आउट करार दिया गया, और विजू भाई है, विजू भाऊ हम उन्हें बोलते थे, उन्होंने मुझे कहा कि तेरे बल्ले पर अच्छी गेंदें आ रही है तो खेल, मैं आउट होकर मैं बाहर जाता हूँ। तो मुझे वो बात बहुत दिल को बुरी लगी कि मेरे वजह से एक अच्छा बल्लेबाज आउट हो गया, और फिर वो गुस्सा जो है मैंने वो ग्राउंड पर निकाला गेंदबाजों पर, और 22 बॉल में 52 रन बनाए थे मैंने अपने, जिसमें 4 सिक्स लगाए थे, और हर शॉट हिटिंग कर कर ही खेला, और अगले 6 ओवर में हमारा स्कोर 96 तक पहुंच गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो एक मैच बहुत याद है, और जी, और उसके बाद बहुत से मैचेस है जिसमें से वाडिया पार्क का जो इमरान भाई ने मुझे मौका दिया था, वो नहीं जानते थे कि मैं बैटिंग कर सकता हूँ, वो एक फॉर्मल ड्रेस में स्कोरिंग करते हुए देखना और फिर वहां पर किट में देखना थोड़ा सा अलग उनको फील हुआ। और जब वो सिचुएशन ऐसी आई थी कि 12 गेंदे 25 रन और लास्ट विकेट ग्राउंड पर था, और 4 विकेट गिरने के बाद से वो इमरान भाई मुझे बोल रहे थे कि मुन्ना भाई आप बल्लेबाजी के लिए जाइए, मुन्ना भाई आप बल्लेबाजी के लिए जाइए। तो मैंने कहा कि आपके पास जितने भी बैट्समैन है आप उनका इस्तेमाल करें, मेरे अंदर बल्लेबाजी की काबिलियत नहीं है, मैं अच्छा नहीं खेल सकता हूँ, आप जाइए और आप अपने अपने बैट्समैन को यूज करें, वक्त पड़ेगा तो मैं आखिरी ओवर्स में या फिर आखिरी कुछ रन के लिए मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा वक्त नहीं आएगा। मैं उनको हौसला दे रहा था कि आपके ही बैट्समैन वो मैच जीता लेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कि मैच इसे सिचुएशन पर आ गई कि 12 गेंदे और 25 रन चाहिए थे और लास्ट विकेट तक, तब मैं बैटिंग के लिए गया और उस मैच में मैंने नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज के साथ में वो 25 रन पूरे किए, जिसमें मैंने खुद 18 रन मैंने खुद बनाए थे, जिसमें 3 सिक्स लगाए थे मैंने, तो वो एक मैच बहुत याद रहा मुझे। तो इमरान भाई आपको तो शुरुआत से भेजना चाहते थे, लेकिन क्या आप ऐसी परिस्थिति का इंतजार कर रहे थे कि भाई 9 विकेट गिर जाए और उसके बाद आप ये परफॉर्मेंस करें और फिर इंटरव्यू में ये बात हमें बोलने पर आप हम पूछने पर मजबूर हो जाए और आप बोलने पर मजबूर हो जाए? जी नहीं, बात ऐसी थी कि मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ खेल रहा था और उनके टीम के किसी भी खिलाड़ी को मैं जानता नहीं था कि वो अच्छे खेलते हैं, किस तरह से खेलते हैं। सिर्फ इमरान भाई को मैं जानता था क्योंकि वो राहुरी से श्रीरामपुर में जो एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें हमारी मुलाकात हुई थी, तो उस टूर्नामेंट खेलने के लिए वो आए थे और उनकी गेंदबाजी वो सब बातें मुझे पता थी, और उन्होंने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ऑर्गेनाइजर से लिया था या किसी लिए था पता नहीं, लेकिन उनका नंबर भी मेरे पास नहीं था। तो जब उन्होंने कहा कि मैं राहुरी के ग्लोबल राहुरी टीम से बात कर रहा हूँ और मुझे एक प्लेयर बैट्समैन की, तो उनके अकेले उनके बल्लेबाजी की या गेंदबाजी मुझे पता थी और बाकी खिलाड़ियों की मुझे बैटिंग नहीं पता थी, लेकिन उनके टीम से जितने भी बैट्समैन थे तो मुझे यकीन था कि बाकी जो 11 खिलाड़ी है, मुझे 11 में जगह मिली है तो 10 खिलाड़ी तो बेहतर होंगे, मुझसे ही बेहतर होंगे। पर सिचुएशन ऐसे होती गई कि आखिरी मुझे मौका मिला और फिर मैंने बैटिंग की।
आपकी इतने दोनों स्पेशल इनिंग के बारे में आपने बताया, आपकी जो 18 18 20 रन की, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, और उसके बाद 52 रन की आपकी इनिंग 22 गेंदों से। इसके अलावा आपकी कोई स्पेशल इनिंग और या कोई स्पेशल स्पेल जो आप दर्शकों के साथ हमें बताना चाहेंगे? गेंदबाजी में तो पहले सर शुरुआत में मैं गेंदबाजी नहीं करता था। हमारे टीम में बहुत अच्छे अच्छे गेंदबाज थे, मेरी गेंदबाजी के लिए इतना ही नहीं था, मैं विकेट कीपर और बैट्समैन था। लेकिन जब इमरान भाई के टीम में जब मैं खेलना शुरू किया तो उनके पास एक अच्छा विकेट कीपर था। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं विकेट कीपिंग करता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गेंदबाजी भी करो। तो वहां से मैंने लेदर पर गेंदबाजी शुरू की, टेनिस पर मैंने गेंदबाजी नहीं की कभी, लेदर पर मैंने शुरुआत की। और नेचुरल लेफ्ट आर्म होने की वजह से मेरी गेंदबाजी थोड़ी अच्छी कारगर साबित हुई, जो आमतौर पर राइट आर्म के लिए, राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए मुश्किल पैदा करती है। गंगापुर के उस किस्से के बारे में जरूर बताना चाहूंगा मैं, कि उस मैच में मैंने 4 ओवर से मात्र 11 रन देकर 4 विकेट लिए थे, जिसमें एक ओवर मैडन भी था। उस गंगापुर का क्वार्टर फाइनल का वो मैच था और हम सेमीफाइनल में प्रवेश कर गए थे, तो वो एक मेरा स्पेल मुझे याद है जिसमें मैंने अच्छी गेंदबाजी की। और कन्नड़ में भी आपके ग्राउंड पर भी बहुत टूर्नामेंट, बहुत मैचेस खेले, लेकिन वहां पर भी मैंने गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, मिला भी तो फिर वो मैच एक तरफा हो चुका था। आपने इतनी सारी बैटिंग बैटिंग के बारे में बताया, बॉलिंग के बारे में बताया, ऐसे वक्त आपको आपके विरोधी पक्ष का कोई गेंदबाज अच्छा लगा हो कि भाई इसकी गेंदबाजी पर थोड़ा सा संभल कर खेलने की जरूरत है, या फिर कोई ऐसा बल्लेबाज जिसको आपको गेंदबाजी करते वक्त या फिर आप फील्डिंग करते वक्त किसी गेंदबाज को बोलना कि इसे थोड़ा संभल कर गेंदबाजी करनी जरूरी है, ऐसे कोई बैट्समैन या फिर ऐसे कोई बॉलर? गेंदबाजी में तो जैसे हमारे टीम के ही शाकिर एक गेंदबाज है जिन्हें हम शिरडी एक्सप्रेस कहते हैं, उनके साथ में हम जब प्रैक्टिस करते थे तो उनकी गेंदबाजी बहुत मुश्किल होती थी मुझे। और बाकी लेदर पे अगर बात कहे तो बहुत से कम मैचेस खेले, लेकिन लेदर पर अगर मुश्किल वाली गेंदबाजी अगर कहे तो आपके कन्नड़ में खेलते हुए मैंने वसीम मंठा की गेंदे पूरी डॉट की थी, वो समझ ही नहीं आई थी मुझे कैसे खेला जाए। और उसके बाद गोपाल गोरखे जिन्होंने मुझे आउट भी किया था, वो एक चतुराई भरी गेंदबाजी उनकी होती है, एक बॉल चेंज ऑफ पेस बहुत कर देते हैं, और उस वक्त हम शेकअप बेट के साथ में पूरी तरह से परास्त हो गए थे। क्वार्टर फाइनल मैच बड़ा मैच था आपका, क्वार्टर फाइनल आपकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन उसके बाद उस टीम में बहुत सारे रणजी खिलाड़ी भी आ चुके थे आपके खिलाफ, भी धर्मेश पटेल भी वहां पर मौजूद थे, और उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, और तीनों मैचेस में बहुत ही धड़ाकेबाज परफॉर्मेंस रहा था शेखअप बीड का, और उस साल के वो विनर भी रहे थे। तो आपकी टीम ने कुछ ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस नहीं था, आपकी टीम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, वेस्टर्न श्रीरामपुर के नाम से आप जहां पर कन्नड़ में खेलने के लिए आए थे। बहुत सारे ऐसे आपने सुखद क्षण बताए, लेकिन कोई दुखद क्षण भी आपके लाइफ में जरूर आए होंगे, चाहे क्रिकेट में है हो या क्रिकेट के अलावा हो, या फिर ऐसे क्षण जो भूल जाना चाहती या फिर उससे बहुत सारी सीख मिली हो आपको? दुखद क्षण के बारे में तो सर मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मेरे जो बड़े भाई है उनको ये बात नहीं पता है, आज इंटरव्यू के माध्यम से शायद वो बात उन्हें पता चले तो फिर वो मुझे बहुत डांट पड़ेंगी। बात ऐसी थी कि मैं जब 12वीं साइंस कंप्लीट करने के बाद में जब मैंने नासिक में एडमिशन लिया BSc के लिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के लिए एडमिशन करने के लिए थोड़ा वक्त था तो, और गारंटी नहीं थी कि वहां पर एडमिशन होगा, तो मैंने नासिक में एडमिशन लिया था। नासिक से जब मैं मनमाड़ से नासिक ट्रेवल करता था, अप डाउन जो बाय ट्रेन मेरा सफर रहता था, तो 3 महीने का वो सफर था, 3 महीने मैंने वहां पर पढ़ाई की BSc की। तो होता ऐसा था कि सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़कर मैं 7 बजे ग्राउंड पर पहुंच जाता था, और कॉलेज होता था 8:30 बजे, तो 1.5 घंटे के उस वक्त वो कैसे अरेंज किया जाए, क्योंकि दूसरा जो ट्रेन था वो 8:30 बजे था मनमाड़ से, तो उस ट्रेन को पकड़ पाना मुश्किल था, कॉलेज पर टाइम पर वक्त पर नहीं पहुंच सकता था मैं। तो मैंने कॉलेज अटेंड करने के लिए जल्दी जाना पसंद किया, और फिर मैं 1.5 घंटे के लिए ग्राउंड पर चला जाता था। तो नासिक जो कॉलेज है चंद्रूप बैठले जैन कॉलेज उसके नाम से वो है, वहां पर वो कॉलेज में, माफ कीजिएगा, ये श्रीरामपुर कॉलेज का नाम बता दिया मैंने,
लेकिन नासिक रोड में वो कॉलेज है, बिटको कॉलेज के नाम से फेमस है वो। तो उस कॉलेज में मैं जब 1.5 घंटा ग्राउंड पर जाता था, तो वहाँ पर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स, जो कॉलेज की टीम होती है, उस टीम में वो प्रैक्टिस करते थे। तो मैं उनसे गुजारिश किया कि मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप कर सकते हो। तो वहाँ पर मैंने कीपिंग की, और उस टीम को कीपर नहीं था, तो उन्हें मेरी कीपिंग बहुत पसंद आई। और फिर उन्होंने सिलेक्शन रखा, जिसपे मेरा सिलेक्शन भी हो गया था कॉलेज की टीम से। तो एक यूनिवर्सिटी खेलने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही थी वहां पर। लेकिन जब मैं घर पर आया, तो मैंने वो किसी को नहीं बताया कि मैं कॉलेज की टीम से सिलेक्ट हो चुका हूँ। और फिर मैंने वहां से खेलना, वो कॉलेज में मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा, क्योंकि मुझे मेडिकल में एडमिशन मिल चुका था। तो वो एक मेरे लिए एक बात ऐसी है कि अच्छा लेवल का क्रिकेट में खेल सकता था वहां से, और नासिक जैसी सिटी से खेलने के बाद आगे आने की मुझे चांसेस मिल सकते थे। एक अच्छा लेवल का डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैचेस में सिलेक्शन होना, या फिर सभी बातें मैं कर सकता था एक 18 साल की उम्र में। पर मैंने पढ़ाई के चलते वो जो डिसीजन लिया कि उसको छोड़ना है और फार्मेसी ज्वाइन करना है, तो वो एक दुखद क्षण कह सकते हैं उसे। लेकिन उसमें उस वक्त कोई गाइडेंस नहीं था, क्रिकेट के अंदर भी कैरियर किया जा सकता है, ये बातें जहन में नहीं थी। तो इसलिए मैंने वो क्रिकेट को छोड़ना पसंद किया और पढ़ाई को अपनाया। मुन्ना भाई, कभी कभी जिंदगी में ऐसी दुविधा परिस्थिति में आपको एक फैसला लेना ही पड़ता है, तो आपने पढ़ाई का फैसला लिया। उस वक्त शायद आज आपको बुरा लग रहा होगा कि उस वक्त का फैसला हमारा कैसा था, या फिर घर पे बताते या फिर घर वालों से शेयर करते इस बात को, तो शायद कुछ अलग दौर था, कुछ अलग बात हो सकती थी, आप अगले दौर तक भी पहुंच सकते थे। क्योंकि अगर आप कॉलेज की टीम से खेलते तो आपको कोच मिलते, आपको अलग अलग से पढ़ाया जाता, अलग से प्रैक्टिस कराई जाती, आप में जो कमजोरियां है उसमें आप उसका अभ्यास किया जाता, और उसके बाद वो कमजोरियां दूर की जाती और आप एक और अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर कर आ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उसने सीखने को, अब आप उससे कुछ सीख नहीं सकते। लेकिन एक बात है, आप जरूर उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर लेंगे उसमें, और जो प्रेरणा करने लायक जो नए नए खिलाड़ी है उनको प्रेरणा देने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे कि आपने श्रीरामपुर की टीम कन्नड़ भी लेकर आए, आपने डिजिटल क्रिकेट में एक नया व्यायाम आपने दिया, साथ ही साथ आप ऑनलाइन स्कोरिंग से जुड़े हुए। ऑनलाइन स्कोरिंग जब करते हो आप, उसका सबसे पहला फटका आपको ही बैठा था, आपको जी, अच्छे से याद होगा। कन्नड़ में जब ऑनलाइन स्कोरिंग की तो सामने आपके सामने सबसे स्ट्रॉन्ग टीम आई थी क्वार्टर फाइनल के लिए, और वो थी शेखर पवीड। क्योंकि आंकड़े कुछ इस तरह से आए थे, क्योंकि आप उनके ग्रुप में नहीं थे, लेकिन ग्रुप के अलावा ऐसी परिस्थिति आई थी कि शेखर पवीड शायद 2 नंबर पर थी और आप 7 नंबर पर, तो 1 नंबर का मैच 8 नंबर की टीम से लगना था, 2 नंबर का मैच 7 नंबर की टीम से लगना था। तो डिजिटल स्कोरिंग का और ऑनलाइन स्कोरिंग का फायदा ये हुआ, नुकसान आपकी टीम को ये हुआ कि आपका सबसे बेहतरीन टीम जो थी शेखर पवीड, उनके साथ में आपका मैच आया और आप वो मैच परास्त हो गए थे, और वेस्टर्न श्रीरामपुर की टीम आप उससे आए थे। तो इन सारे दरमियान आप क्रिकेट से अभी भी जुड़े हुए हो, तो ऐसा कौन सा सपना है आपका? हम बहुत सारे लोगों को सपना पूछते हैं, गर्ल्स क्रिकेट हो या फिर जेंट्स क्रिकेट हो, इन सभी में सभी ने कुछ ना कुछ अलग अलग सपने बताए हैं। सबसे अलग अलग सपने भी हमने सुने हैं, किसी को इंडियन क्रिकेट का प्रतिनिधित्व करना है, किसी को भारत के लिए मैच जिता देना है, किसी को रोहित शर्मा के साथ पार्टनरशिप करनी है, किसी को वर्ल्ड कप उठाना है। आपका ऐसा कौन सा सपना है, और कौन से, हमने जावेद सर, अमित सिंह, प्रदीप खलाने, मानसी पटवर्धन मैडम, सरफराज बांगड़ीवाला, मीनाक्षी गिरी मैडम, इन सभी के इंटरव्यू लिए है जो कि कोच है, तो इनकी भी धारणा यही है, इनका भी सपना यही है कि आपके उनके जरिए कोई क्रिकेटर या फिर कोई खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट का प्रतिनिधित्व करे और वो इंडियन क्रिकेट को अच्छे मकाम तक लेकर जाए। आपका ऐसा कौन सा सपना है? आप तो आप ना कोच की भूमिका में है ना ही खिलाड़ी की भूमिका में है, लेकिन आपसे आपका सपना पूछना न पूछना आपके लिए अन्याय होगा। हम जरूर पूछेंगे कि आपका ऐसा कौन सा सपना है जो आप उसे पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी जरूर सर, क्योंकि जिस तरह से अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं और जिस तरह से हमने ये नया उपक्रम शुरू किया है, तो ये भी एक उस सपने का ही हिस्सा है कि अगर हम उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए तो यकीनन हमारे जरिए कोई ना कोई वहां पर पहुंचे
हमारा गाइडेंस नहीं रहा तो भी ठीक है, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा कर देना उनके लिए, और उनके लिए प्रेरणादायी इंटरव्यूज लेना या फिर उनको एक प्रेरणा देना कि इस तरह से अच्छे अच्छे खिलाड़ी संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो अगर इसको देखकर वो अनजान व्यक्ति भी हो सकता है, किसी एक व्यक्ति के लिए वो सपना नहीं है, वो अनजान व्यक्ति के लिए है जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो अगर इंटरनेशनल लेवल तक अगर पहुंच जाए और वहां तक पहुंच कर वो ये कह दे कि हम बचपन में ऐसा इंटरव्यू देखा करते थे जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिली, तो यकीनन वो भी हमारा एक सपना पूरा होने जैसी बात है। और दूसरा सपना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पर मैं एक देख रहा हूँ कि मैंने मेरे भांजे के लिए बहुत कोशिश की, वो एक अच्छा क्रिकेटर बने और उसको बहुत बचपन से उसके अंदर बहुत अच्छे खेलने की उसके अंदर प्रैक्टिस, बहुत बहुत कम उम्र से वो खेलता था, तो उसको हमने मुंबई में नेशनल क्लब में भी ज्वाइन कराया था और वहाँ पर भी उसने बहुत अच्छे अच्छे मैचेस खेले हैं, बहुत प्रैक्टिस की है, कम उम्र में बहुत अच्छी प्रतिभा उसके अंदर थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो मैं आज मेरे जो बच्चिया है, बेटिया है मेरी, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि इस इंटरव्यू के जरिए जो वुमेन्स क्रिकेटर्स है उस तरह से मेरी लड़की भी एक क्रिकेटर जरूर बने, और उसके लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी उसकी उम्र कम है, 10 साल की है, और यह अभी से ही उसे शुरुआत की जा सकती है। जी बिल्कुल की जा सकती है, और आपका सपना भी पूरा किया जा सकता है, और उस दिन का हम इंतजार रहेगा जब मुन्ना भाई कहेंगे कि हमारी छोरी के छोरों से कम है के, और जी, वो दिन जरूर आएगा, और उस वक्त हम उनका इंटरव्यू जरूर लेंगे, और उस वक्त वो कहेंगे कि आपकी प्रेरणा क्या है, वो कहेंगे सिर्फ पापा पापा और पापा, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। आपका सपना हमारी शुभकामनाएं, आपके साथ है, मेहनत आपको करनी है, और साथ ही साथ आपकी बेटियों को, हमारे भतीजियों को भी करनी है मेहनत, और वो जरूर एक दिन रंग लाएंगे। इस लॉकडाउन में हमें पता है आप कोरोना योद्धा की तरह लड़े हुए हैं, आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, एक भी दिन आप घर में नहीं बैठे क्योंकि लॉकडाउन आपके ऊपर नहीं था, मेडिकल सारे सब खुले हुए थे, और आपने श्रीरामपुर की बहुत सारी सेवा की, उस लॉकडाउन के बारे में आप कुछ बताए, कैसा एक्सपीरियंस रहा जब सब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे और आप पेशेंट लोगों की देखभाल कर रहे थे, उनकी सेवा में थे? जी जी सर, हमारा जो पेशा है मेडिकल, ये मेडिकल फील्ड ही ऐसा है कि आपको सेवा करना ही है, हमें ओथ भी दी जाती है कि किसी भी पेशेंट से दूजा भाव नहीं करना है, हर पेशेंट को अपना परिवार का एक हिस्सा मानना है, अगर वो बीमार होता है तो दुख तुम्हें भी होना चाहिए। तो हम जो भी अभी सरकार के जो भी नियम थे उसको नियम को फॉलो करते हुए हमने वो अपना काम पूरा किया, और ये हम अपने आप में एक खुद को गर्व महसूस करते हैं कि इसका सरकार ने हमें काबिल समझा कि हम सेवा कर सकते हैं, ऐसा वो मौका हमें मिला है, तो उस मौके को क्यों ना अच्छे से सराहा जाए और उस पर ज्यादा वर्क किया जाए। जी बहुत अच्छा आपका पेशा है, और जिसके चलते आप कोरोना योद्धा के बारे में के रूप में उभर कर आए हैं, और हम सभी ग्रुप की ओर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं कि आप कोरोना योद्धा बन के यहाँ वहां पर उभरे हुए हैं। साथ ही साथ जमीर पठान जो हमारे क्रिकेटर, वो भी श्रीरामपुर नगर परिषद से जुड़े हुए हैं, और वो भी वहां पर आरोग्य विभाग में कार्यरत है, वो भी कोरोना योद्धा बन के उभरे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का, और सभी को अलर्ट करते हैं आप, कोरोना से हमें सबको मिलकर लड़ना है। आपने ये संदेश सभी को दिया, इसके बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए खिलाड़ी को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप, आपके जो अनुभव के बोल है, अनुभव के बोल किस तरह से आप इनके साथ शेयर करेंगे? नए खिलाड़ियों के लिए तो सर मैं यही कहूंगा कि बस आप अपने जीवन में मेहनत बहुत करें, मेहनत से ही सब कुछ हासिल है, आसानी से कुछ हासिल नहीं होता, आपको हर चीज पाने के लिए मेहनत करनी है, और जो भी आप करना चाह रहे हैं जो भी फील्ड हो, ऐसा नहीं कि आप क्रिकेट के लिए ही, मैंने कहूँगा अपने जीवन में जो भी उनका एक एम हो, ध्येय हो, उसे पूरा करने की जब कोशिश कर रहे हैं तो उसके प्रति वो ईमानदार रहे, सेटिस्फाइड वो तभी होंगे जब वो मेहनत 100% करेंगे और ईमानदारी से उसको करेंगे, तभी वो सफल हो सकते हैं। और बड़ों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट दे अपने कोच, अपने खिलाड़ी, अपने सीनियर्स,
जो भी आपको आपके फील्ड में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, उनको आप रिस्पेक्ट करें, उनकी बातों को सुने, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस तकरीबन उनका जो एक्सपीरियंस होता है 25-30 साल का, वो आपको पाने के लिए और 25-30 साल इंतजार करना है, तो रेडीमेड उनका एक्सपीरियंस हमें मिलता है, तो जरूर उनका सपोर्ट करें, उनको रिस्पेक्ट करें, यही मैं यंगस्टर से कहूँगा। और जितने भी मेरे साथ में खेले हुए जितने भी यंगस्टर्स हैं, यकीनन वो सभी को इसी बात को मैंने सिखाया है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मैं जब 8वीं 9वीं क्लास में था तो मैंने NCC भी ज्वाइन की थी, जिसमें एक ब्रीद वाक्य होता था, एकता तथा अनुशासन, तो वो मैं हमेशा से मेरे यंगस्टर्स को कहना चाहूंगा कि आप एकता में रहे, एकता बनाए रखे और अनुशासन से रहे। जी बहुत जबरदस्त आपने ये गुरु मंत्र दिया, एकता और अनुशासन, NCC का गुरु मंत्र। मैंने भी NCC की है, मैं भी 2 साल 8वीं और 9वीं NCC का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे इस बात पर बहुत नाज है। अभी भी NCC के जरिए जो भी काम किए थे हमने और जो भी अपने शरीर को हमने स्वस्थ बनाने की जो प्रेरणा तब से ली थी, अभी भी वो वैसी ही है। और आज भी मैं मेरे उम्र के 45वें साल में पदार्पण कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ ये बात कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी तक किसी भी तरह की मेडिकल कोई जांच अभी तक नहीं करानी पड़ी है और ना ही डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उसकी चीज के लिए। मुन्ना भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और साथ ही साथ आपके जन्म से लेकर अब तक की आपकी सारे लेखा जोखा हमारे साथ यहाँ पर शेयर किया, आपकी पढ़ाई के बारे में बताया, नासिक रोड से लेकर त्र्यंबकेश्वर से लेकर मनमाड़ से लेकर श्रीरामपुर की आपकी सारी यादें आपने ताजा की, क्रिकेट की शुरुआत के बारे में हमें बताया, आपके आइडल आपके हमिद भाई इनके बारे में सारे भर भर के बातें दी, उसके अलावा जो आपके डिजिटल क्रिकेट का छंद है आपको, साथ ही साथ आप जो ऑनलाइन स्कोरिंग करते हैं उसके बारे में बताया, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया वो एक सफलता के कदम चूम रहा है, आपने इंटरव्यू का ये नया इंस्टाग्राम पर रूप लेकर आए उसके बारे में आपने बताया, आपके पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में हमसे बताया, आपके पसंदीदा मैदान, आपकी इनिंग, आपके जो जबरदस्त मैचेस खेले हुए उसके बारे में बताया, बहुत सारे बातें आज आपसे की, आपका जो टूटा हुआ सपना उसके बारे में बात आपने बात की और जो जो सपना आप देख रहे हैं उसके बारे में हमसे बात की, हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपके सारे सपने पूरे हो, आपके जिंदगी में अच्छा दौर बने रहे, अच्छे फील्ड में हो आप उस फील्ड में भी आपका नाम रोशन हो, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। और शीर्षक स्पोर्ट, आजाद डिजिटल और महाराष्ट्र क्रिकेटर्स व्हाट्सएप ग्रुप, इन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। 3 बार हम लगातार जुड़े, आज नेटवर्क इतना ठीक नहीं था फिर भी हमने इंटरव्यू को आज पूरा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, शुरुआत में आपकी आवाज नहीं आ पाई थी और हम आवाज डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन किए थे, तो मैं शुरुआत का मेरा क्रिकेट का एक बात कहना चाह रहा था कि वो क्वेश्चंस को स्किप कर दिया क्योंकि वक्त बहुत कम था हमारे पास में और जो दर्शक है वो भी बोर नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो बात मैं जरूर यहाँ पर एक बार आखिरी चलते, चाहे शुरुआत की बात हो लेकिन इंटरव्यू के आखिरी में कहना चाहूंगा, शुरुआत में जब हम क्रिकेट खेलते थे सर तो हम 3 भाई थे जैसे मैंने बताया, तो तीनों भाई सुबह 4:30 बजे उठकर फुटबॉल लेकर ग्राउंड पर चले जाते थे और जब तक दिन नहीं निकलता था तो तीनों फुटबॉल खेलते थे और जब दिन निकल जाता था तो फिर स्टंप्स लगाकर बाकी के खिलाड़ी आते थे और हम क्रिकेट खेलते थे। उस वक्त मुझे क्रिकेट के बारे में जो मेरे भाइयों ने सिखाया उसके अलावा मैं यहाँ पर जरूर शेयर करना चाहूंगा वो बात को कि आपको भी शायद वो बात याद होंगी, जिस भी जो भी खिलाड़ी है जिसके जिसके पास ब्लैक एंड व्हाइट का टीवी हो या दूरदर्शन जिसने देखा हो उनके वो ये बात जरूर याद आएगी कि मेरे एक और गुरु है जिन्होंने मुझे क्रिकेट सिखाया है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, वो है जिमी अमरनाथ। वहां पर दूरदर्शन पर एक सीरियल आती थी क्रिकेट विद महेंद्र अमरनाथ, तो वो सीरियल में हम बहुत गौर से देखते थे और जो भी ग्रिप है गेंदबाजी की, बैटिंग की, वो सब बातें हमने वहीं से सीखी, तो वो हम इस नेटवर्क के चलते वो बात को शेयर नहीं कर पाए, वो जरूर मैंने आखिरी चलते शेयर की। और आपने बहुत आप तो बेहतर, आप हमारे कमेंट्री के गुरु भी हो जो मैं कहता हूँ कि आपने मुझे बहुत कमेंट्री सिखाई है, मैं 15 दिन आपके साथ रहा तो क्रिकेट के अलावा जो दूसरा फील्ड है मेरा जो क्रिकेट से ही जुड़ा है तो गुरु में आपका भी नाम शामिल है जिन्होंने आपको मुझे आपने मुझे बहुत सिखाई है कमेंट्री की और उसी की वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंटली आज
आपके साथ भी बात कर रहा हूँ या फिर बाकी जो इंटरव्यूज होते हैं या फिर कॉमेंट्री भी जो करनी पड़ती है, तो वहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंट आता है और मैं हर बात कर पाता हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। मेरे बड़े भाई है, चौथे बड़े भाई आप ही हो। और सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस इंटरव्यू को, थोड़ा लंबा इंटरव्यू जरूर रहा, देखा, पूरा देखा और कमेंट्स बहुत किए, इसके लिए सभी का धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी, फिर एक बार थैंक यू। थैंक यू सर।